सो फॉर दिस रीडिंग हमने पहले ही ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन किया है पिछली वीडियो में और अब हम ये वाली करने वाले हैं शॉर्ट द आंसर द क्वेश्चन बिलो मीन्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये और इसके लिए हमें एक वर्ड ही चूज़ करना है अगर आप इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आइर्स नाइन पे चले जाएं। अदरवाइज़ इसको यहीं पे देखें आप तो अभी इसको करना कैसे है पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं और इस रीडिंग का नाम है व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ ए लॉन्ग लाइफ और हाँ वीडियो जब देख रहे हो तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल ठीक है तो अभी हमने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ऊपर वाला किया अब पढ़ते हैं इसकी स्ट्रेटेजी के लिए क्योंकि यहाँ पे आंसर हमें एक ही वर्ड में देना है अगर आपने इन लगा दिया या टू लगा दिया या ए लगा दिया या एन लगा दिया द लगा दिया तो वो टू वर्ड्स में काउंट होगा तो वो नहीं करना है वन वर्ड मतलब एक ही वर्ड होना चाहिए अब पढ़ते हैं इसको एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसमें कीवर्ड को इसको समझेंगे कीवर्ड को निकालेंगे और लोकेशन पे जाके हम इसका आंसर ढूंढने की ट्राई करते हैं वट नेम हैज़ जैसी का एवर्ट गिवन टू द कैटेगरी ऑफ सेंटिनेरियंस हु बिकम हंड्रेड विदाउट सफरिंग सीरियस डिजीज तो वो बोल रहा है क्या नाम उसने दिया जैसिका एवर्ट गिवन टू द कैटेगरी ऑफ सेंटिनेरियंस कैटेगरी की बात हो रही है जैसी का एवर्ट पहले इस इस वर्ड को लेके जाके ढूंढेंगे किस पैराग्राफ में ये वर्ड है इस पर्सन का और फिर उसने कैटेगरी को क्या नाम दिया जो सेंटेरियन बिकम हंड्रेड विदाउट सफरिंग डिजीज जिनके पास कोई जिनको कोई डिजीज नहीं है वो उन उस कैटेगरी को उसने क्या नाम दिया आप चलते हैं ये वर्ड हमें एक्चुअल लोकेशन पे लेके जाएगा देखो अब इस पैराग्राफ में मुझे ये नाम दिख रहा है क्योंकि ऊपर वाले पैराग्राफ चार पैराग्राफ जो थे वो हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के लिए ढूंढ चुके हैं तो अब ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है मतलब कि हमें जो पैराग्राफ बचे हैं उन्हीं में ढूंढना शुरू करना चाहिए तो हमें ये नाम मिल गया तो अभी हमने ढूंढना है कि उसने क्या नाम दिया उस कैटेगरी को जो सब, जिनके पास बीमारी नहीं है तो ये ये अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ क्या काम करती है कुछ नहीं अब ये उसने क्या फाउंड किया यहाँ से पढ़ते हैं शी फाउंड दैट दोज़ हु अचीव एक्सट्रीम लॉन्गिविटी टेन टू फेल इं टू थ्री कैटेगरीज ये कैटेगरीज आ गया हम कैटेगरी को ही ढूंढ रहे थे फॉल इं टू थ्री कैटेगरीज अबाउट फोर्टी परसेंट वर्ट डिलेयर्स हु अवॉइडिड क्रॉनिक डिजीज ठीक है ये भी कैटेगरी का नाम है ब्रैकेट में है अनटिल द एज ऑफ़ एट्टी अनदर फोर्टी परसेंट वॉर सर्वाइवर्स हु सफर्ड द क्रॉनिक डिजीज़ बिफोर द एज एज ऑफ एटी बट लिव ड लॉन्गर टू टेल द टेल अच्छा फाइनल ट्वेंटी परसेंट वॉर एस्केपर्स हु रीच्ड देयर सेंचुरी ये देखो सेंचुरी विद नो साइन ऑफ मोस्ट कॉमन मतलब नो साइन मतलब कि कोई साइन नहीं है बीमारी का मोस्ट कॉमन क्रॉनिक डिजीज तो मतलब अपना क्या आंसर हुआ ये एस्केपर्स तो मैं यहाँ एसके पर सेम टू सेम आपको स्पेलिंग्स लिखनी है एक भी एस या ई एस कुछ मिस नहीं होना चाहिए ठीक है अब नाइन्थ क्वेश्चन व्हाट फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू कंट्रीब्यूट टू लॉन्गेविटी इन मैन सो एक तो मैन हुआ और कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मोस्ट लाइकली टू कंट्रीब्यूट टू लॉन्गेविटी इन मैन ठीक है अभी इसके आगे ही कॉन्टिन्यू मेल uh, दिख रहा है मुझे और इन फैक्ट टू सेक्सेस फेयर डिफरेंट वेन इट कम ये लॉन्गिविटी वर्ड भी मिल गया ठीक है अभी हमें ढूंढना है मैन देर आर फॉर फीमेल्स एंटीरियंस बट द रीज़न फॉर दिस आर अनक्लियर सर्टेनली वेन टेन टू लीड हेल्थियर लाइफ स्टाइल एंड एक्सपीरियंस फ्यूअर सीरियस एक्सीडेंट्स दे ऑल्सो गो टू देर डॉक्टर मोर मैन आर मोर अच्छा मैन आ गया ना हमें मैन का ही देखना है आर मोर प्रोन टू रिस्की बिहेवियर एंड क्रॉनिक इलनेस सो इट मस्ट बी जेनेटिक्स विच अलाउज सम मैन टू रीच एक्सट्रीम ओल्ड एज देखो लोंगीविटी इन मैन तो ये बोल रहा है मैन आर प्रोन टू रिस्की बिहेवियर एंड क्रॉनिक सो इट मस्ट बी जेनेटिक्स सो ये जेनेटिक्स होगा अपना आंसर विच अलाउ सम टू रीच एक्सट्रीम ओल्ड एज मीन्स ये देखो ना एविडेंस ऑफ दिस कम्स फ्राम लोंगीविटी हॉट स्पॉट्स तो अपना आंसर क्या होगा जेनेटिक्स ठीक है अब टेंथ नंबर पे चलते हैं विच प्लेस हैज़ द लार्जेस्ट परपोर्शन ऑफ सेंटिनेरियंस प्लेस हैज़ द लार्जेस्ट परपोर्शन ऑफ सेंटिनेरियंस इन द वर्ल्ड कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पे लार्जेस्ट परपोर्शन ऑफ सेंटिनेरियंस इन द वर्ल्ड है तो ये लार्जेस्ट प्रपोर्शन और प्लेस किसी जगह का नाम होगा अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं और ज़रा ढूंढते हैं जैपनीज आइलैंड ऑफ ओकिनावा अब ये जैपनीज कोई आइलैंड का नाम है इज द फ्रंट रनर एट फिफ्टी एट सेंटिनेरियंस पर वन लैक पीपल्स इट हैज द वर्ल्ड्स हाइस्ट परपोर्शन देखो हम यही तो ढूंढ रहे थे ना लार्जेस्ट परपोर्शन ऑफ सेंटिनेरियन अब लार्जेस्ट की जगह उसने हाइस्ट लिख दिया ठीक है इन द वर्ल्ड इसने इसको ऐसे घुमा के लिखा है लार्जेस्ट परपोर्शन ऑफ सेंटीनेरियस इन द वर्ल्ड कहाँ पे है आ, ये होगा जगह का नाम एट फिफ्टी एट इट इज़ द हाईस्ट वर्ल्ड्स हाइस्ट हाइस्ट प्रपोर्सन इन दिस एज ग्रुप विद सारीआ एंड आईलैंड आइसलैंड नोट टू फार बिहाइंड ऑल थ्री आर रेलिटिवली आइसोलेटेड आईलैंड कम्युनिटीज ओके तो अपना है विच प्लेस कौन सा प्लेस डालें हम ये डालें ये डालें या ये डालें ये प्लेस होगा क्योंकि ये तो जैपनीज आईलैंड अगर जापान लिखा तो हम जापान लिखते लेकिन यहां बोला जेपनीज आइलैंड ऑफ ओकिनावा तो हम इसका नाम लिखेंगे यहाँ पे ओकिनावा सेम स्पेलिंग ठीक है अब नेक्स्ट पे चलते हैं अकॉर्डिंग टू द जेरोनाटोलोजिस्ट ये वर्ड हमें लोकेशन पे ले जाएगा वर्ट शुड पीपल अवॉइड नेगलेक्टिंग इफ दे विश टू रीच पीपल को क्या अवॉइड करना चाहिए नेग्लेक्ट करने के लिए इफ़ दे विश टू रीच ओल्ड एज इसको इस क्वेश्चन को समझो वट पीपल शुड अवॉइड पीपल को क्या अवॉइड करना चाहिए कि वो नेग्लेक्ट करते हैं किसी चीज़ को नेगलेक्टिंग इफ़ दे विश टू रीच ओल्ड एज ठीक है अब ये वर्ड हमें ले जाएगा लोकेशन पे तो हमें हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं उसके बाद ये देखो ये मिल गया है ये वर्ड इसी को हम लोग ढूंढ रहे थे अब पढ़ते हैं हैव इम्फिस बट दिस अलोन कैन नॉट एक्सप्लेन लॉन्गिटी लॉन्गिटी हैव एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज देखो रेगुलर एक्सरसाइज के लिए इम्पोर्टेंस दे रहा है सो एनी वन एमिंग टू रीच अ सेंचुरी मीन्स इफ दे विश टू रीच ओल्ड एज क्या उनको अवॉइड करना चाहिए तो एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज सो एनी वन एमिंग टू रीच अ सेंचुरी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट दिस दे हैव ऑलो फाउंड डेट इन्फ्लुएंस ऑन लाइफ सोशल है हमारा यहाँ से यहाँ तक इसी में ही आंसर छुपा है आप भी थोड़ा ट्राई करो और बताओ क्या आंसर हो सकता है पॉज करो स्क्रीन और सोचो जरा हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ हम ये क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं ये मुझे मिल गया उसने एम्फेसाइज किया कि रेगुलर एक्सरसाइज के ऊपर वो एम्फेसाइज कर रहा है कि तो फिर कह रहा है कि जो लोग चाहते हैं उनका एम है कि सेंचुरी मतलब हंड्रेड इयर्स तक पहुंचे शुड नॉट अंडर एस्टिमेट दिस मतलब कि रेगुलर एक्सरसाइज को अवॉइड नहीं करना चाहिए अवॉइड पीपल शुड वट शुड पीपल अवॉइड नेगलेक्टिंग क्या नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए उसको अवॉइड करना चाहिए वो है रेगुलर एक्सरसाइज बट हमारा तो ऑप्शन uh, तो हमारा वन वर्ड है तो हम क्या लिखेंगे इसमें हम सिर्फ एक्सरसाइज ही लिखेंगे ना इसमें एक्सरसाइज अपना मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है रेगुलर तो उसकी क्वालिटी होगी एक्सरसाइज रेगुलर करो या आ, या फिर वन इन ए वीक करो वो अलग बात है लेकिन एक्सरसाइज मेन वर्ड हुआ ठीक है अब चलते हैं ट्वेल्थ पे वर्ड सोशल इन्फ्लुएंस सोशल वर्ड देखो यहाँ इसी ला, इसी पैराग्राफ में मुझे मिल रहा है वर्ड सोशल इन्फ्लुएंस ऑन लॉन्गिविटी डिक्रीजेज एज पीपल गेट ओल्डर क्या ऐसा सोशल इन्फ्लुएंस है लॉन्गिविटी जब लॉन्गिविटी होती है बढ़ती है तो क्या डिक्रीज होता है जब पीपल जब बढ़ बूढ़े हो जाते हैं दे हैव ऑल्सो फाउंड दैट इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस वर्ड भी है ऑन लाइफ स्पेन ये लॉन्गिविटी ऑफ सोशल फैक्टर्स सच एज वेल्थ फेड्स एज वी एज देखो सेम टू सेम एज भी है एज द पीपल गेट ओल्डर इसको पैराफ्रेज किया है अब क्या क्या डिक्रीज हो रहा है Fades means डिक्रीज वेल्थ वेल्थ हम हमारा आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा वेल्थ ठीक है wealth fades. मतलब क्या इन्फ्लुएंस हमारा डिक्रीज हो रहा है जब हम बड़े हो रहे हैं तो हमारा वेल्थ के प्रति जो है सोशल फैक्टर उसके लिए हमारा इन्फ्लुएंस कम हो रहा है ठीक है मतलब हम उसकी तरफ नहीं खींचे जा रहे हैं. फिर थर्टींथ क्वेश्चन इन विच स्पीशीज अपार्ट फ्रॉम ह्यूमस हैव लॉन्गीविटी जीन्स बीन रिलायबली आइडेंटिफाइड स्पीशीज़ अब ये स्पीशीज़ वर्ड डाल दिया तो मतलब जानवर एनिमल कुछ तो नाम होगा ना इन विच स्पीशीज़ कोई स्पीशीज़ का नाम होगा अपार्ट फ्रॉम ह्यूमेंस हैव लॉन्गीविटी जीन्स हैज़ बीन रिलायबली आइडेंटिफाइड कोई आइडेंटिफिकेशन हुई है अब हमारे पास ये आइडेंटिफिकेशन वर्ड भी दिख रहा है ठीक है ये दो पर, ये यहाँ तक ही लेफ्ट है हमारे पैराग्राफ तो देख लेते हैं एक बार लाइसम आफ्टर सिक्सटी बोथ आर आइडेंटिकल ओके लॉन्गिविटी जीन्स हैव ऑल्सो फाउंड इन अबेंडेंस इन अदर ऑर्गेनिज्म आ गया ना स्पीशीज स्पीशीज़ का नाम नहीं बट अदर ऑर्गेनिज्म मीन्स ह्यूमन से अलावा इंक्लूडिंग ओवर सेवनटीन पर्टिकुलर वॉम्स अनफॉर्चुनेटली इट इज डिफरेंट स्टोरी इन ह्यूमस वाइल मैनी जीन्स हैव बीन सजेस्टेड टू एक्ट ओके तो अभी हमने क्या ढूंढना है ये देखो विथ स्पीशीज अपार्ट फ्रॉम ह्यूम सो हैव लॉन्गेविटी जीन्स हैव बीन रिलायबली आइडेंटिफाइड हैव फाउंड्स इन अपडेंस इन अन अदर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ओवर सेवनटीन पर्टिकुलरली वाम्स तो ये वाम्स का नाम हम यहां लिखेंगे ऑर्गेनिजम्स तो मतलब बोल रहा है कि अपार्ट फ्राम ह्यूमन ह्यूमन बींग अपार्ट फ्राम ह्यूमन बींग डिफरेंट स्टोरी इन ह्यूमन हो गया तो हमें स्पीशीज का नाम स्पीशीज का नाम ये वाम्स आना चाहिए ठीक है ना कि ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म स्पीशीज का नाम नहीं है वो तो बोल रहा है कि अबेंडेंस इन अदर ऑर्गेनिज्म तो हमारे ये रीडिंग पूरी हुई